Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home with your parents. I'm also fine here. I'm here to teach you moral values. I am Reshu. Okay, students, so as we have completed our chapter first, now today is the turn of chapter second, that is God is one. Let's start. Look at the symbols and read the names of the religion below: Christian, Hindu, Sikh, Muslim, Jewish. Jewish. How beautiful our world is. High mountains, green plants with multicolor flowers. Means कि हमारा संसार कितना सुंदर है. ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्रीन हरे 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 पत्ते, हरे हरे प्लांट्स और विद मल्टीकलर फ्लावर्स. किसके साथ? रंग बिरंगे फूलों के साथ. टॉल ट्रीज विद जूसी फ्रूट, चिरपिंग बर्ड्स इन द स्काई, प्लेफुल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. मतलब कि जूसी फ्रूट्स, रसीले फल, चिरपिंग बर्ड्स मीन्स जो गाना गाती हैं, चिर चिर करती है ना ची ची, उन्हें हम चिरपिंग बर्ड बोलते हैं. इन द स्काई प्लेफुल एनिमल, खेलते खेलते चलते फिरते जानवर. इन द फॉरेस्ट, जंगलों में. फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियाँ. हाई वाटरफॉल्स, बहुत ऊंचे ऊंचे झरने. थंडरिंग क्लाउड्स इन द स्काई. हाउ ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल ऑल दीज गिफ्ट ऑफ हाउ ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल ऑल दीज गिफ्ट ऑफ गॉड आर. मीन्स कि ये सारे जो इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं, थंडरिंग क्लाउड्स हैं, मतलब गरजने वाले बादल आसमान में, ये सब कितने सुंदर और कितने आश्चर्यजनक लगते हैं. भगवान के क्या है? ये गिफ्ट हैं, भगवान द्वारा दिए गए हमें गिफ्ट्स हैं. ओके. गॉड हैज मेड देम ऑल. भगवान ने इन सभी को बनाया है. गॉड हैज ऑल्सो क्रिएटेड मैन. और भगवान ने ही आदमी को भी बनाया है. देयर इज ओनली वन गॉड हु हैज मेड ऑल दीज थिंग्स. यहाँ पर केवल एक ही भगवान है जिसने इन सभी को और ये नेचर को बनाया है. बट गॉड हैज मैनी नेम्स. सम कॉल हिम ईश्वर, सम कॉल हिम अल्लाह, सम कॉल हिम गॉड, सम कॉल हिम वाहे गुरु. मीन्स कि ईश्वर गॉड एक ही है और उनके कई सारे नाम हैं. कुछ लोग उन्हें कैसे बुलाते हैं? ईश्वर के नाम से. कुछ लोग उन्हें कैसे बुलाते हैं? अल्लाह के नाम से. कुछ लोग उन्हें कैसे बुलाते हैं? गॉड के नाम से. और कुछ लोग उन्हें वाहे गुरु के नाम से जानते हैं. वी मे कॉल हिम बाई एनी नेम. गॉड लिसन टू एवरी वन. गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. मीन्स कि हम उन्हें कैसे किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन भगवान क्या है? सभी की सुनता है और वो सब जगह होता है, सब जगह उपस्थित होता है. फिर रमेश, करीम और हरिबंदर और जॉर्ज, ये सब अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये नहीं, ये भगवान, ये भी भगवान के द्वारा बनाए गए मनुष्य हैं. वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हम सभी भगवान के बच्चे हैं. रमेश इज हिंदू, करीम इज अ मुस्लिम, जॉर्ज इज अ क्रिश्चियन, हरिबंदर इज अ सिख. मीन्स रमेश क्या है? रमेश कौन है? हिंदू है, करीम है मुस्लिम, जॉर्ज है क्रिश्चियन और हरिबंदर है सिख. बट ऑल ऑल आर इक्वली नियर एंड डियर टू गॉड. लेकिन सभी ये इनकी ये भगवान के प्रिय भी हैं और प्यारे भी हैं भगवान को, और भगवान के पास भी हैं. भगवान किसी से ये नहीं है कि ये क्रिश्चियन है तो इसकी बात नहीं सुनेंगे, ये मुस्लिम है इसकी बात नहीं सुनेंगे, हिंदू है इसकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. भगवान के लिए सब एक है. गॉड सभी की बात सुनता है, ठीक है ना. फिर महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट डिवोटी टू ऑफ गॉड. महात्मा गांधी अपने भगवान के बहुत बड़े भक्त थे. ही वॉन्टेड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स टू लिव टूगेदर पीसफुली. वो चाहते थे कि सारे रिलीजन के जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ मिलजुल कर रहे भारत में, ठीक है ना. सो ही प्रेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल. वो सभी के भलाई के लिए प्रार्थना करते थे. बोथ ईश्वर एंड अल्लाह आर द नेम ऑफ वन गॉड. ईश्वर और अल्लाह अलग अलग भगवान या अल्लाह नहीं है, वो सब एक ही भगवान के नाम है. दोनों नाम एक ही भगवान के हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज योर चैप्टर. टुडेज वर्क, यू विल हैव टू रीड दिस चैप्टर एट योर होम. ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.